मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। रागासा भजन बावंजा। उठ करो अभ्यास जिज्ञासु। उठ करो अभ्यास जिज्ञासु। उठ करो अभ्यास राम। उठ करो अभ्यास। पद्मासन सिद्ध आसन लाए। बैठ अकेला ध्यान लगाए। सार शब्द में सुरत समाए। सफला कर ले स्वास। उठ करो अभ्यास जिज्ञासु। उठ करो अभ्यास। नाभि से तुम प्राण उठाए। हृदय में ताको ठहराए। ऊपर को फिर ताह चलाए। दस में करिए वास। उठ करो अभ्यास जिज्ञासु। उठ करो अभ्यास। घट घट में है शब्द उचारा। जामे बाजत साज अपारा। तन सुनता को गुरमुख प्यारा। जाके मन विश्वास। उठ करो अभ्यास जिज्ञासु। उठ करो अभ्यास। कहे टेउ गुरु शिखिया धारे। सुमरन कर दिन रैन उदारे। आत्म अमृत पी कर प्यारे। मेटो जम का त्रास। उठ करो अभ्यास जिज्ञासु। उठ करो अभ्यास। राग आसा भजन बावन। उठ करो अभ्यास जिज्ञासु। उठ करो अभ्यास। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बहुदत्त। यमराज जो नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं कि उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करके ज्ञान और बोध को प्राप्त करो। वही उपदेश गुरु महाराज जी इस मधुर भजन में दे रहे हैं कि उठो जागो। निद्रा आलस्य का त्याग करो। अभ्यास नाम का जप करो। आसन लगाकर बैठो सिद्धासन या पद्मासन और ध्यान में अपने मन को एकाग्र करो। सार शब्द जो गुरुमंत्र है उसमें सुरती मन की सुरती को उसमें लीन करो। श्वासों को सफल करो। अमोलक श्वास अमोलक जीवन अमोलक शरीर इन सब को सफल बनाओ। नाभि से तुम प्राण उठाए। श्वास नाभि से उठाना प्रारंभ करो।
हृदय के कमल में उन श्वासों को ठहरा के फिर दसवें द्वार ऊपर तक उनको ले जाओ। तो ये योग का अभ्यास करने वाले इस विधि के द्वारा श्वास लेकर नाम का जप करते हैं। घट घट में है शब्द उचारा, सब जगह पे वो शब्द ब्रह्म व्यापक है, नाद बज रहे हैं, जामे बाजत साज अपारा। दस प्रकार के नाद अंतर में हमेशा ही नादित होते रहते हैं, लेकिन सुनता को गुरुमुख प्यारा। कोई गुरुमुख जिसका मन एकाग्र हो गया वही उस अनहद नाद का श्रवण करता है, जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास है। कहे टेहू गुरु शिक्षा धारे, सुमरन कर दिन रैन उदारे। गुरुदेव की शिक्षा को अपने मन में बिठाते हुए उसके अनुसार आचरण करते हुए रैन दिवस नाम का जप करो। आत्म अमृत पीकर प्यारे, आत्मानंद के अमृत का पान करके यम यातना से छुटकारा प्राप्त करो। हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से आजाद हो जाओ। रापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु तेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी, प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दोहावली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।